यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं गति के कितने समीकरण होते हैं। गति के तीन समीकरण होते हैं, नाम कुछ नहीं है, बस नाम इसी प्रकार है। गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण। हम लोग तीनों को बड़ी बड़ी से देखेंगे, ठीक है। गति के पहले समीकरण की बात करें तो गति का पहला समीकरण क्या है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर लूँ वी का, तो वी क्या है, अंतिम पॉइंट है, यानी अंतिम वेग है कह लें, ठीक है। यू क्या है, शुरुआती वेग है, ठीक है, शुरुआती वेग है। ए क्या है आपका, ए आपका हो जाएगा त्वरण, ठीक है, त्वरण। और टी क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा, ठीक है। वी क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, वी अंतिम वेग, यू शुरुआत का वेग, ए त्वरण और टी समय हो जाएगा। तो याद रखिएगा गति का पहला समीकरण क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, ये समीकरण आया कहाँ से, तो मैंने अभी बताया था ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, यही ने बताया था, ठीक है। अब अगर मान लीजिए टी को आप इधर ले जाते हैं बराबर के इधर, तो ये क्या जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, यही होगा ना। अब अगर मान लीजिए कि वी को इधर यू को इधर लाते हैं, तो यू जो है वो माइनस में है, तो यू इधर आएगा, तो इधर सिर्फ वी बचेगा, यानी कि ए टी और वी, यू इधर आ जाएगा, तो प्लस यू इज इक्वल्स टू वी। तो देखिए आ गया ना, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला समीकरण है गति का, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति के पहले समीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसको वेग समय समीकरण के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है वेग समय समीकरण, देखिए गति का जो कुछ पहला समीकरण है, वी इज इक्वल्स टू क्या है, यू प्लस ए टी, ठीक है। देखिए वी यानी कि वेग और यहाँ अंतिम में क्या है, समय। तो वेग और समय के बीच के रिलेशन को यह दर्शाता है, गति का जो पहला समीकरण है वह किसके किसके बीच का रिलेशन दर्शाता है, वेग और समय के बीच का रिलेशन दर्शाता है, इसीलिए इसको वेग समय समीकरण कहा जाता है। आपसे ऐसा भी पूछ लेगा कि गति का जो पहला समीकरण है उसमें किसके किसके बीच संबंध दर्शाया गया है, तो वेग और समय के बीच। या पूछ लेगा गति के पहले समीकरण में समय और किसके बीच, तो वेग के बीच संबंध दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गति का दूसरा समीकरण क्या है, तो गति का दूसरा समीकरण है टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर एस क्या है आपका, एस आपका क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन गति के समीकरण में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते हैं, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। यू क्या हो जाएगा, मैंने तुरंत बताया था, यू क्या हो जाएगा आपका, शुरुआत का वेग हो जाएगा। और ए क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। और टी क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा। तो याद रखिएगा गति का दूसरा समीकरण एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। आप उल्टा पुल्टा मत करिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। गति का जो दूसरा समीकरण है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि गति का जो दूसरा समीकरण है वह किसके किसके बीच संबंध दिखाता है, तो मैंने अभी तुरंत बताया था क्या है गति का दूसरा समीकरण, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने जस्ट बताया कि स्टार, ये देखिए आप किसका है, विस्थापन, और ये क्या है, समय है। तो विस्थापन और समय के बीच की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, विस्थापन और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, विस्थापन और समय। कभी कभी विस्थापन के जगह पर आपको स्थिति दे देगा, अच्छा स्थिति दे ही गया है, स्थिति और विस्थापन नहीं, स्थिति और समय, ठीक है, स्थिति और समय, क्योंकि स्थिति और विस्थापन को यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है ना, स्थिति को विस्थापन से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वह किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो एक तो आपका समय, ठीक है, और किसके बीच, विस्थापन के बीच, ठीक है। मैंने कहा अभी तुरंत कि विस्थापन को कभी कभी स्थिति से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो यह भी याद रखिएगा, या तो समय विस्थापन कहलेगा या तो आपका समय स्थिति कहलेगा। अगला प्रश्न है गति का प्रथम समीकरण समय और किसके बीच संबंध बताता है, तो बताइए गति का पहला समीकरण क्या है, याद कीजिए अभी मैंने तुरंत बताया गति का जो पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल्स टू क्या था, u प्लस ए टी था, ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो समय और किसके बीच, वेग के बीच संबंध बताता है, तो वेग और समय के बीच। अगला है वेग समय समीकरण किसे कहा जाता है, तो यही है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, देख लीजिए आपको वेग और समय के बीच संबंध बताता है, तो गति का पहला समीकरण, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, गति का पहला समीकरण। अगला है स्थिति समय समीकरण किसे कहा जाता है, तो स्थिति समय समीकरण, अब देखिए स्थिति समय जो है समीकरण में कौन सा आ रहा था, तो कौन सा आ रहा था याद आपको, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है, स्थिति ये है, समय ये है, तो स्थिति और समय के बीच जो संबंध दर्शा रहा है वो कौन सा, गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। अब आते हैं तीसरे समीकरण के ऊपर, गति का जो तीसरा समीकरण है वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, ये गति का तीसरा समीकरण है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है गति के तृतीय समीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए क्या है, वेग है और स्थिति है, तो वेग और स्थिति समीकरण कहेंगे, या मैंने तुरंत बताया था कि स्थिति को विस्थापन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वेग और विस्थापन समीकरण कहा जाता है।
फिर कह रहा है कि गति का तृतीय समीकरण वेग और किसके बीच संबंध दर्शा रहा है, तो वेग और किसके बीच, विस्थापन के बीच समय दर्शा रहा है। तो देख रहे हैं ना, एक आप अगर ये याद कर लेते हैं समीकरण, तो आपके तीन से चार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं बस ये एक समीकरण याद करने की वजह से। तो समीकरण इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखें।